नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़। आई बढ़ते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम और बेल्जियम के बीच कांटों की टक्कर हुई है, लेकिन बेल्जियम ने भारतीय हॉकी टीम को 5-2 से मात दे दी। भारतीय हॉकी टीम के हाथ से सेमीफाइनल मैच निकल गया, जिसके साथ ही गोल्डन का सपना भी टूट गया। हालांकि अब भी भारत के पास कांस्य पद जीतने का मौका है। पीएम मोदी ने कहा कि हार जीत जिंदगी का हिस्सा है, हमारे पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो में सर्वश्रेष्ठ दिया, यही मानने की बात है। पीएम मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से बात भी की, साथ ही साथ हॉकी टीम को अगले मैच में शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को हमारे खिलाड़ियों पर गर्व है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्र शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए गठित स्वयं सहायता समूहों के उत्पादन की बिक्री अब फ्लिपकार्ट के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए केंद्र आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का फ्लिपकार्ट के साथ अनुबंध भी हो चुका है। पहले चरण में जल्द ही लखनऊ, वाराणसी व आगरा में गठित इन समूहों के उत्पादों के विक्रय शुरू हो जाएगी। किसी भी देश का भविष्य इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी बेहतर है। बेहतर शिक्षा व्यवस्था की सबसे जरूरत और अहम जरूरत छात्र और शिक्षक के बीच का अनुपात होता है। इस अनुपात से यह तय किया जा सकता है कि एक शिक्षा पर कितने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसी अनुपात को लेकर संसद भवन में मान ने एक सवाल किया। उन्होंने सरकार से पूछा कि राज्यों में छात्र और शिक्षकों का अनुपात क्या है और अगर ये बदतर स्थिति में है तो इसे सुधारने के लिए कौन सा प्रयास करना जाना चाहिए। संसद के मॉनसून स्तर पर पोगासस जासूसी मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्षी पार्टी इस मसले पर चर्चा करना चाहती है। विपक्षी एकता को देखने हुए मंगलवार को यानी आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता साइकिल पर सवार होकर सांसद पहुंचेंगे। विपक्षी एकता की मजबूत देखने के लिए इस कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा सियासी दलों को नाश्ते में बुलाया जाएगा। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां आपस में बहस कर सकती है। पेट्रोल डीजल के मामले पर हम सभी को आवाज उठानी चाहिए, यह सबसे बड़ा सांसद का साइकिल मोर्चा कर सकते हैं। अनुच्छेद 370 हटाने की दूसरी वर्षी एवं स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार मंथन पर जारी है। खास कर पिछले एक महीने से लगातार सीमांत इलाकों में ड्रोन देखे जाने के बाद से यह एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। सोमवार को एडीजीपी मुकेश सिंह के जम्मू संभाग के डीआईजी, एसएसपी और एएसपी स्तर के साथ बैठक कर सुरक्षा बंदोबस्त की जानकारी ली। अधिकारियों ने एडीजीपी को सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजामों की जानकारी से अवगत भी कराया। एडीजीपी ने अधिकारियों को सुरक्षा एजेंसियों से अधिक तालमेल के लिए दूसरे के साथ निकट स्वयं में काम करने के लिए कहा गया। तो ये थे आज की 5 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।